ये नीचे मिट्टी है, मिट्टी है ना, कहाँ है भाई ही नहीं है तो उधर होगा क्या? लगा ये है ना, ये भी खा ले मुझे तो। ये आ गया, आगे से भी निकल, आगे से होगा कहाँ तक लेफ्ट चेस्ट तोड़ने, इसको तोड़ना नहीं, वो खाली देखने होंगे। ये आ गई है, इसको भी इसको ये आ गया ठीक, पर अब पीसी है इसे से निकाल, तोड़ना नहीं इसको, ऐसे रखना खड़ा कर। दिस इज मी स्केच, ये ऐसे निकाल, मिट्टी तक निकाल दे, निकाल निकाल निकाल, जो सीमेंट है खाली मुझे सीमेंट देखने की इतना लगा, तलाशी भी मिल से हो ये ये है लास्ट वाला, ये आपके पास खुला है, अब ऐसे कहाँ होगा ये इतना नीचे, नीचे नहीं, ऐसे ये नीचे नहीं है, समझ लो जब खड्डा हम खोदते हैं ना तो ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे तंग होता है, क्या जी जाकर सही बात है, फिर आप नीचे तो है, है? नीचे पूरा है, नीचे तक हाइट आसन बराबर, हाइट बराबर हो सकती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब खड्डा खोदते हैं ना आप स्ट्रेट बराबर नहीं खोद सकते, थोड़ा बहुत हाँ नीचे से तंग होता है, पता है आपने देखो, जैसे आपने खोदा इधर खड्डा, इधर खोदा इसने, ये जैसे आपने खोदा है, क्या है इसका वेट, क्या है बताओ, नीचे नीचे लास्ट में क्या वेट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आपने काटा है, कितना है पच्चीस है, वही मैं बोल रहा हूँ ऊपर से कितना है, वही कितना है, अगर नीचे आपको 45 चाहिए बाहर से आपको कितना लेना है ऊपर का पीस, ज्यादा ऊपर से इसका ये वेट 70 होना चाहिए तब जाके नीचे 40-45 पहुंचेगा, है ना, आप भी बोलो कुछ, खाने तो बनो, ये भी वही लगाया इसमें, ऊपर से देखो मिट्टी इधर से मिट्टी है, तो करो ला जबा, ये ऊपर से है जबला जबला, कितने ये तो आपका है ना, ला जरा इधर, टाटा साइड नहीं है तो इधर आया कोई डिपार्टमेंट छुट्टी
अब देखो ये वाले जो है ये बीच में होनी चाहिए। इसकी आपने लास्ट में कितनी रखी है? अलग अलग कितना? डिपार्टमेंट का काम होता है ये वाले जो है। इसका नहीं बताया कितना गैप होना चाहिए? सेंटर से, इसके सेंटर से। इसका सेंटर क्या चाहिए आपको? सेंटर से। इसका सर हाँ, ये 45 के बीच में आना चाहिए। तो बीच में है, एंड में कितना है इसका? एंड में तो 10 सेंटीमीटर। तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा इसका? पीछे पड़ेगा ना, पीछे से अगर ज्यादा होगा वो चलेगा, लेकिन अगर ये कम होगा ना, जब इसको प्रेशर पड़ेगा, ये छोटा है, ये टूट जाएगा। अगर ये वाली साइड इसको पीछे से होगी तो ये पुख्ता रहेगा। ये डिपार्टमेंट वाला है ना? नहीं, आपको नहीं समझना है, ये डिपार्टमेंट को बोलो, आप ठेकेदार हो, मोबाइल छोड़ते हैं, आप उन लोगों को बोल दो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, ये आवाम का पैसा है, ये लाखों रुपए है। आपको सारी चीजें हैं, उनको भी बता दो, आपको बता देंगे इसका सेंटर कहाँ आना चाहिए, इसका खड्डा कितना खोदना है। और ये आम बात है, ये सारे जानते हैं, जब पीछे से अगर ऊपर आप से नीचे खोद रहे हो ना, 1 मीटर आपको नीचे लेना है, अगर 45 आपको रखना है, तो ऊपर से खड्डे का खोदना ही आपको 60-70 के ऊपर होगा, ताकि वो नीचे एंड पे 40 पहुंचेगा। आप ऊपर से ही 40 ले रहे हो, नीचे क्या पहुंचेगा? आप तो खाली इसके जितना ये नीचे ले रहे हो, जैसे आपने ये अभी खोद ही दिया है ना, ये इसको तो चलो ये निकल गया, बहुत खुशी। इसका भी इतना एक साइड सुस्त, ठीक है, एक साइड इज कम, जैसे इसका एंड है, अभी एंड कितना ही होगा, है ना? आप इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते ना, ये छोटा, ये भी है। आपने ऊपर से इसको विड्थ बनानी है, ठीक है, इसको ऊपर से जब खुला खड्डा खोदोगे तब जाके आप लास्ट में उतना ले पाओगे। इसकी बेस आपके पास 10 या 15 रखी है, ये थोड़ी आप 15 पे कहाँ रुकेगा? क्रैश बैरियर है, इससे गाड़ी रुकनी चाहिए, बाय चांस अगर कहीं गाड़ी लग जाए तो ये इसके पास इतना मवाद होना चाहिए ताकि ये रुक जाए, ये गाड़ी रोकने के लिए, ये थोड़ी ऐसे शो पीस के लिए, आप समझिए। नहीं करवाओगे ना, इसको करवाओ। और अमिशवान इसका कौन है? केम जैसा ही का और क्या, इसको पत्थर क्या डालोगे आप? मुझे युते हैं ये तो इसकी सकी आपने इसमें पत्थर ही डाले जितना है। हेलो जी, मैं महाराज बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे क्रश बैरियर लगा रहे थे, इनको मैंने पूछा, मैंने बोला इसका क्या रहता है, कहते हैं 45 कुछ, लेकिन ये लास्ट पे जहाँ इसकी फाइनल टच है वहाँ पे ये 30 है, ये कहाँ रुकेंगे ये लोहे के डंडे ऐसे? अच्छा, ऊपर से इन्होंने बीच में पत्थर भी डाले हैं, तो इसको कुछ रोड से क्या क्या रोड क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी, ये ठेकेदार भी एग्री है, इसको पूछने वाला ही नहीं है, अब इतना पैसा हम लगा ही रहे हैं, ये सड़े पत्थर हैं, उखाड़ दो पूरा, उठा ये देखो, ये खाली पत्थर है, सिर्फ इसमें ये मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ये लगा कितना रहे हैं और है कितना, इसकी विड्थ भी नहीं है 3 दिखाने के लिए ऊपर से बात की जल्दी तल पे नहीं रोड मजी पूरा मुझे बताओ आप,
आप ऊपर से तो फीता डाल रहे हैं, ऊपर से बजरी डाल रहे हैं, नीचे से इतना बड़ा पत्थर इसके साथ में, ये क्या रुकेगा? इससे गाड़ी रुकेगी? अच्छा सुबह ही कहेंगे चलो लकड़ मकड़ स्ट्रांग तो है, मगर सुबह चलो क्या काम करोगे कौन है ठेकेदार इसका वासली मालिक साहब मालिक साहब कौन मालिक बेटो तुषार कुमार उसको कोई नहीं पूछता है वीडियो ये पत्थर क्या डाल दे तो पर 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 लाइव ही लगी मारो चली चली ये कोई तरीका है आप लोगों का? कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, है? इसको एक आपने एक बाल्टी नहीं डाला है, है? इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए आपने फर्सला जब ये बीसी डोडा को एडमिनिस्ट्रेशन है जो डिस्ट्रिक्ट को चला रही है, PMJSY जो रोड बना रही है, करोड़ों खरबों का रुपया है और इन पहाड़ों पर आकर इस तरह पे काम हो और जहां एक्सीडेंट के रोज मामला हो, क्रश बैरियर के नाम पे धंधा हो, मुझे चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है यार, और थोड़ा तकलीफ होती है मन में, लेकिन इस चीज को क्या कहोगे? अगर इतना बड़ा पत्थर इस गड्ढे में लगाया जा रहा है, इतने पत्थर डाले जा रहे हैं, तो इससे क्या वो एक्सीडेंट बचाया जा सकता है? रेत और बजरी में थोड़ा सा सीमेंट क्या डाल दिया, ऊपर से लेयर लगा ली तो बस दुनिया को दिखा दिया, अंदर से कौन खोदेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ डीसी साहब इसकी इंक्वायरी करे, PMJSY के लोग इस पे थोड़ा सा संज्ञान लें, कम से कम अगर आप नहीं आ सकते हो वीडियो बनवाओ इनकी जिस वक्त ये डाल रहे होते, अगर आपको इतनी भी फुर्सत देखने की नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो कि हमने फलानी जगह काम किया, जिस वक्त आप मटेरियल डाल रहे हो उस वक्त कम से कम उस वक्त की वीडियो मुझे चाहिए, और कोई पूछताछ ही नहीं, ऊपर से डाल दिया सीमेंट, अंदर से क्या है कोई नहीं जानता है, और ये तो शुक्र है मैंने इसको तोड़ा, और इतना बड़ा पत्थर और इतने पत्थर लगाए हैं, आओ हिसाब ब्याज के ये दिखाना मैं चाहूंगा, 40 इंच भी नहीं बजरी में बनाना है, लेकिन क्या होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं देखना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट को, और ठेकेदार को भी बोलना चाहूंगा, इतना घटिया काम करते हो आप, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हो, आवाम का पैसा इन रोडों को बचाने के लिए लगाया जाता है, और ये मैं उनको उनका आईना दिखा रहा हूँ जो बातें करते हैं ना दफ्तरों में बैठ, और फिर मुझ पे सवाल उठाते हैं कि महाराज गंदी बात करते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो ये आईना दिखा रहा हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई पीर नहीं हूं, मैं नहीं जानता इसके अंदर क्या है, लेकिन अब दिखाने जा रहा हूं, देख लेना और खुद इसकी तहकीक करना और खुद अपने खिलाफ कार्रवाई करना। ये पत्थर है, ऊपर से सीमेंट है, एक चलो ये पत्थर डालने इतने हैं, वो भी ढंग के डाले जा सकते हैं, पत्थर तोड़ के बजरी के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर, और इससे गाड़ियां रुकेंगी, इससे लोगों की जानें बचाई जाएंगी। अच्छा पाल ले आज क्या मिसी अच्छी मिसी होती है ये
ये पत्थर वो अच्छे से इस लोहे की जितनी कीमत है ये तो मजबूरी है इनको ये लोहा लगाना है। सीमेंट का बजरी का छोटा सा बचाने इतना नुकसान इतनी जानों को ये जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इसका कितना होना चाहिए वो इंजीनियर्स मुझे नहीं दिखे क्या काम करवाएंगे। इस तरह पे अगर काम होंगे तो हम लोगों का क्या होगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये चीजें देख रही है थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो ठेकेदारों के साथ याराना नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी रियासत है। और एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मिलकर इतना बड़ा खिलवाड़ करे मैं राज से उम्मीद मत रखा, मेरे से उम्मीद मत रखा। ये हालात हैं हमारे सड़कों के हैं? डिपार्टमेंट के लोगों को बोलो ड्यूटी करो, जेल बनाने के लिए इधर नहीं रखना है उनको, जेल उसके बाद बनाओ, मापो बाद में, एक दिन खड्डे खुदवाओ और एक ही दिन में इसको सारा काम कर दो। फिर से वो थे अगर इसको दोबारा करो, ठीक सर, आप दिल लगाओ, आप मजदूरी करो, ये आप अपने तरह पे लगा रहे हैं इनके तरह। हेलो, जैसे ये बोलेंगे हेलो, आप काम करते हो नहीं सर, अब मैं आपको बोल रहा हूँ इनको काम पे लगा के इनको उखाड़ दीजिए, ठीक है, ये सारा उखाड़ के एक दिन डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, एक ही दिन इसको बनाई कर, ये इतने बड़े बड़े पत्थर मुझे नहीं चाहिए और ये पत्थर मुझे नहीं चाहिए, ये लोगों को बचाने के लिए सेफ्टी और आप सेफ्टी के नाम पे धंधा कर रहे हैं, लोगों की जाने कहाँ बचानी है, आपने तो लोगों का विश्वास ही खत्म कर दिया। दब 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 दब